गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज है मेरा सिंगापुर में मेरा तीसरा दिन, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिंगापुर में घूमने का सबसे सस्ता तरीका। इसके थ्रू आप सिंगापुर में किसी भी MRT या सिंगापुर की किसी भी नॉर्मल बस के अंदर अनलिमिटेड राइड आप ले सकते हैं। कैसे लेंगे, इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। ये वीडियो दो पार्ट में होने वाला है। इस पार्ट में आप देखेंगे सिंगापुर का फेमस फ्लावर डूम, बहुत शानदार जगह है यार, अल्टीमेट। स्पेशली नेचर्स लवर्स के लिए तो ये एक स्वर्ग से कम नहीं है। दूसरे पार्ट में, मतलब जो अगला वीडियो आएगा, उसमें आप देखेंगे अगेन सिंगापुर का फेमस क्राउड फॉरेस्ट और सुपर ग्रोटरी की स्काई वॉक। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। आराम से बैठ जाइए, चाय कॉफ़ी पॉपकॉर्न से ले लीजिए और वीडियो के मजे लीजिए। आओ शुरू करते हैं। सुबह के बज गए 7, सिंगापुर के करते हैं नाश्ता। तारीख हो गई 27 फरवरी। बनाते हैं कुछ यार, और तो कुछ मिलता नहीं है। क्या है यहाँ पे सेम कल वाला ओरिजिनल ओट्स ग्रीन टी कॉफी और ओरियो बिस्किट्स, ये है मेरी ब्रेकफास्ट में। तो बैटर यही खाते हैं, बैठा नहीं लिया उसने। सिंगापुर में ट्रेवल करने का सबसे मस्त तरीका जो है ना, सिंगापुर की MRT है यार, बहुत कन्वीनियंट है। ऑलमोस्ट आपको हर जगह मिल जाएगी और मस्त ठंडी साफ़ सुथरी। और दूसरे से अच्छी बात क्या है, इतनी मतलब फुल्ली मार्क्ड है, आपको कहीं भी किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। साइन बोर्ड वगैरह पर सब कुछ लिखा मिल जाएगा। इवन मैंने कभी किसी से पूछा ही नहीं कि मुझे कौन सी MRT कहाँ से चेंज करनी है। शानदार है भाई, शानदार। तो ये तारीख हो गई 27 और मैं पहुंचा हूं गार्डन पे। टाइम हो रहा है तकरीबन 10 बजे सिंगापुर के, और धूप यार आज तो अच्छी खासी है। कल जितना मौसम बढ़िया था ना, उतनी तेज धूप है आज। सामने साइंस एंड आर्ट म्यूजियम, क्या सही नज़ारा है यार यहाँ से। मत यहाँ आके बैठ जाओ और 2-3 घंटे आराम से बैठे रहो। ये जो सामने डूम से बने हुए हैं ना, यही है फ्लावर डूम और अपना क्लाउड फॉरेस्ट। इस वीडियो में आपको पहले आज फ्लावर डूम दिखाने वाला हूँ। शानदार है भाई। तो बस थोड़ा सा यहाँ वॉक वॉक कर लूँ, फिर चलते हैं। ये सिंगापुर आए अभी हाल फिलहाल बंद है, टूरिस्ट है नहीं, बाकी इसका भी अच्छा नज़ारा होता है। लोग ऑलमोस्ट यहाँ वॉक करने ही आते हैं। अब धूप थोड़ी ज़रूर तेज है, बाकी मौसम है यार यहाँ का। हाय, धूप बहुत है यार, बहुत धूप है। टाइम तकरीबन हुआ है 10 और धूप ऐसी। ये खाए पिए पेट निकाला बाहर,
बच्चे, बच्चों की माओ, बच्चों का डैडी सब भागने लगे हैं। अब चलते हैं गार्डन पे, देखते हैं खुला है कि नहीं खुला। ये तो बंद है, सिंगापुर ही तो बंद है अभी शायद, मार्च के बाद की डेट है इसकी। ये पूरा है जॉगिंग के लिए। नहीं इधर अगर आओ ना तो सबसे बढ़िया है ये सिंगापुर पास ले लो, एसटीपी बोलते हैं उसको, सिंगापुर टूरिस्ट पास, बेस्ट ऑप्शन है यार। 3 दिन का रहेगा, $30, जिसमें से $10 रिफंडेबल है, और अनलिमिटेड यार मेट्रो राइड और जो ऑर्डनरी बस रहेगी दोनों की फ्री हो जाएगी, एक्सप्रेस बस में वैलिड नहीं है। बहुत पैसा बच जाएगा भाई, बहुत पैसा बच जाएगा, नहीं तो है ना किराया बहुत है यहाँ पे मेट्रो वगैरह का, बहुत किराया। तो बस अब जाते हैं गार्डन भी सामने है, शायद पुल पार करके जाना है, देखते हैं। गार्डन बे, ये सामने आर्ट आर्ट एंड साइंस म्यूजियम, ये पूरा दुबई मरीना, सिंगापुर मरीना। तो ऐसा सिंगापुर में इंडियंस के लिए प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, वीज़ा बहुत इजीली मिल जाता है, ट्रांसपोर्ट मैंने बता दिया आपको, एसटीपी ले लो, फुल चिल मारो। खाना खाने के लिए यहाँ बेस्ट है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था टेका सेंटर, वहाँ जाओ मस्त $3-4 के अंदर आप दबा के एक टाइम का खाना खा सकते हो, डोसा और छोले भटूरे ऑलमोस्ट सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा लिटिल इंडिया के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन हैं इंडियन वेज फूड के। आगे भैया आगे, आगे हम गार्डन भी भाई भी और देखते हैं। यार इतना साफ सुथरा है ना यहाँ पे सब कुछ, मतलब इतने इतने बड़े गार्डन भी इतने साफ हैं यार पूछो मत। देखो और एक्चुअली सबसे बड़ी बात क्या है, बस यहाँ हर चीज़ लिखी हुई है, साइन बोर्ड वगैरह पर सब चीज़ लिखी हुई है, आपको यहाँ जनरली पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और फिर भी अगर मान लो समझ में नहीं आ रहा तो गूगल मैप मैप जो है बेस्ट है यहाँ पे, आप गूगल मैप पर डालो, आपको वो MRT कौन सी जाएगी, कहाँ से जाएगी, कौन से नंबर की बस जाएगी, ये भी बता देगा। तो भाई गूगल मैप यूज़ करो, किसी से पूछने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है अपने को। एक्चुअली अभी इतनी टूरिस्ट नहीं है यहाँ पे, अदरवाइज इंडियन टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये ब्रिज हम लोग क्रॉस करके उधर जा रहे हैं सुपर ग्रोव ट्री के साइड के अंदर, और यार नज़ारा देखो भाई, मतलब ग्रीनरी जो उन्होंने मेंटेन की है ना यहाँ पे वास्तव में यार, अब ये देखो मस्त, मतलब ये देख के मुझे ना रशिया का वो विंटर पैलेस याद आ गया, सही लगता है एकदम यार, ये फेमस सैंड्स होटल। तो पहुंचे हंगरी में गार्डन में,
मजा आ गया यार। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। मजा आ गया। ये देखो मरीना बे सैंड होटल के ऊपर स्विमिंग पूल। तो देख लो भाई सिंगापुर बे भाई बे। अब ना आपको इस स्टैंड होटल्स के बारे में कुछ ना इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता देता हूँ। ये तो आपको बताइए है कि इसका जो ऊपर स्विमिंग पूल बना हुआ है वो वर्ल्ड के सबसे ऊंचे पर बना हुआ स्विमिंग पूल है। इसमें जो कमरे हैं तकरीबन 2561 कमरे हैं और इसी के अंदर दुनिया का मोस्ट एक्सपेंसिव कैसिनो और मोस्ट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट इसी होटल के अंदर बना हुआ है। कहते हैं कि इस होटल के अंदर एक अंडरग्राउंड लॉबी है जो भी बहुत बड़ी है और उसमें ही ये स्टाफ वगैरह रहता है। बाकी यहाँ लग्जरीज तो है ही है, फाइव स्टार है। बाकी तो कभी रुकेंगे तो और आपको इसका टूर दूंगा। फिलहाल तो ये फैक्ट्स थे मेरे पास में। तो ये है यहाँ का सुपर ग्रोवरी। यहाँ रात को ना बड़ा सही से लेजर शो होता है, फ्री रहता है। अगर शाम को अगर मैं आ पाया तो दिखाऊंगा, बहुत सही रहता है। यहाँ पूरा लेजर लाइट से और साउंड वगैरह इफेक्ट रहता है। तो पिछली बार देखा था मैंने लेकिन इस बार शायद हो ना हो आइडिया नहीं है मुझे। तो ये पहुंच गया मैं सुपर ग्रोटरी। भी चाइनीज ग्रुप्स बहुत आ रखे हैं, बाकी सारे चाइनीज़ बहुत हरामी होते हैं यार, बहुत ज़्यादा हरामी है। कल रात को भी माथा लग गया उनसे, सुबह भी खपत हो गई। बन नालायक हैं साले, खैर छोड़ो नालायकों को, अपने मजे लो। तो ये पहुंचा मैं सुपर ग्रो। इंडियन गार्डन तो ये मैं पहले देखने आया हूँ फ्लावर डूम। मैंने फ्लावर डूम और क्लाउड फॉरेस्ट की कॉम्बो टिकट ली है 28 सिंगापुर डॉलर्स के अंदर। तो बेटर है आप दोनों टिकट साथ ही लो, थोड़ा सस्ता पड़ेगा। इसको देखने का जो लगभग टाइम है 1 घंटा लगता है। तो चलो फटाफट मैं आपको फ्लावर डूम दिखा देता हूँ। अच्छा, फ्लावर डूम में जाने से पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ, अगर आप नेचर लवर्स नहीं हैं तो आप ये वीडियो यहीं छोड़ के जा सकते हैं क्योंकि आपको बोर होना है अंदर। और अगर आप नेचर लवर्स हैं, आपको कार्निवरस पसंद है तो आपको मज़ा आएगा। ये जो पूरा फ्लावर डूम है अलग अलग सेक्शन में बंटा हुआ है और अलग अलग कंट्री के यहाँ गार्डन्स बने हुए हैं। तो बस आप ये जैसे सब फॉलो करते रहिए, तो जो साइन बोर्ड लगे हुए हैं वो मजे से करते रहिए।
क्या ठंडा है ना यार। ये है सारा इसे दुबई में बटरफ्लाई गार्डन बना रखा था ना यार, ऐसे ही बना रखा है, अमेजिंग है यार। अभी यहाँ टिकट काउंटर सारे बंद हैं, तो आपको ये टिकट्स भी ऑनलाइन ही परचेज करनी पड़ेगी। कॉम्बो टिकट लिया है मैंने 28 सिंगापुर डॉलर्स का, और मेरे ख्याल से आपके लिए भी बेस्ट है कि आप कॉम्बो टिकट्स लीजिए। इसका ऑनलाइन लिंक जो है बुकिंग का, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से बुक करवा सकते हैं। फ्लावर डूम के बारे में बता देता हूँ। फ्लावर डूम का नाम जो है गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर है, सबसे बड़ा इंडोर क्लास का गार्डन और सबसे ज़्यादा आपके जो कार्निवोरस प्लांट्स की स्पीसीज जो है वो यहाँ को देखने को मिलेंगी। लगभग यहाँ 1 मिलियंस प्लांट्स हैं, 19,000 अलग अलग स्पीसीज के। तो देखो ये अपने आप में कितना बड़ा एक अचीवमेंट है इनके लिए। और ये तकरीबन 1.3 एकड़ एरिया में फैला हुआ है, शानदार है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो टिकट है वास्तव में नॉमिनल है। मेंटेनेंस यहाँ की अमेजिंग, साफ सफाई आप खुद देख लो, तो क्या चाहिए आपको यार। तो कहते हैं यहाँ एक अंटार्कटिका को छोड़कर आपको दुनिया का हर पौधा हर प्लांट आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग कंट्री के गार्डन्स बनाए गए हैं जहाँ आपको मिल जाएगा। यहाँ इवन जब मैं इंडिया का एक सेक्शन जहाँ गार्डन बना हुआ वहाँ गया था, तो हमें राजस्थान का कीकर मिल गया था। मतलब यार कीकर वहाँ पे मिल गया, मेरे को नीम मिल गया था। तो मतलब देखो उन्होंने अब काफ़ी अच्छा एक ट्राई किया है, बाकी खुद देखो आप बताओ।
तो बस यहाँ से अब मैं एग्जिट करूँगा और ये सामने गेट है, उस गेट को पार करते ही मैं पहुँच जाऊँगा क्लाउड फॉरेस्ट। वो भी अपने आप में एक शानदार अमेजिंग जगह है। तो बस ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ क्लाउड फॉरेस्ट और कुछ यहाँ की अच्छी चीज़ें। कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो तो यार कमेंट कर देना, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और चैनल देखते रहिए।